अब वो यही बस है, इस बस को दो जेसीबी मशीनों की मदद से, क्रेन की मदद से थाने में पुलिस लेकर के जा रही है। इस बस में अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है, 20 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, जिनमें से 17 लोगों का नलहड़ मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है। दो की नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें दिल्ली और अन्य अस्पतालों के लिए रेफर कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कपड़े इस बस में जले हुए दिखाई दे रहे हैं, पूरी की पूरी सीट जल चुकी है, जो यात्रियों का सिलेंडर था या खाने का सामान था वो भी राख में अब तब्दील हो चुका है। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह बिजारणिया और SDM तावड़ू रात को ही घटनास्थल पर पहुंच गए थे। धुलावट गांव के पास ये हादसा हुआ है। धुलावट गांव के लोगों ने जान हथेली पर रखकर इस बस में सवार लोगों को बचाया था, वरना पूरे के पूरे 60 यात्री जो इसमें सवार थे उनकी जान जा सकती थी। 1:30 बजे रात को ये हादसा हुआ है। उस समय जो आसपास के गांव के लोग हैं वो सड़क पर उतर आए थे और इस बस से लोगों को, यात्रियों को बचाने की कोशिश की थी। एक सप्ताह के लिए पंजाब और चंडीगढ़ के जो श्रद्धालु हैं वो एक सप्ताह की धार्मिक यात्रा पर गए हुए थे और धार्मिक यात्रा पर अयोध्या, मथुरा और वृंदावन जैसे शहरों में वो दर्शन करने के बाद घर अपने वापस लौट रहे थे। उसी दौरान अचानक से इस बस में आग लग गई और इस बस में आग लगने की वजह से ये इतना दर्दनाक और भयानक हादसा हुआ है। 9 लोग इसमें जिंदा जल गए हैं, जिनमें 6 महिलाएं और 3 पुरुष बताए जा रहे हैं। लगातार जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं यहाँ पर दौरा कर रहे हैं और हरियाणा पुलिस के जवान हैं वो इस बस को अब सुरक्षित स्थान पर, यानी ट्रैफिक थाने में या तावड़ू थाने में ले जाने के काम में लगे हुए हैं। देखिए कितनी स्लो रफ्तार से, कि टायर पूरी तरह से जल चुके हैं, जो इसके व्हील हैं वो सड़क को खदेड़ते हुए या सड़क पर निशान करते हुए ये गाड़ी जो है वो आगे बढ़ रही है। बस में कुछ नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ लोहा है और लोहा भी आग की लपटों से पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। दरअसल ऐसा हुआ था, मेरा वही मकान है, वही खेत है मेरा, तो बस जैसे आ रही थी ना पलवल की तरफ से मेरे गांव के पास, मुझे चलती बस में आग लगती दिखी थी, तो मैंने रोड भी मचाई, उसे नहीं सुनाई दी, मैंने बाइक उठाई उसके बराबर, उसको रुकवा लिया। रुकवाने से पहले ही आग उसमें ऑलरेडी लग चुकी थी, तो हमने देखा पैसेंजर पूरी तरीके से फंसे हुए थे। मैं बराबर में कैंपी से नीचे कूदा, तुरंत मैंने फट्टी उठाई, फट्टी उठाने के बाद मैंने साइड की 3 बारी तोड़ी थी, 3 बारी। तो जब कुछ पैसेंजर कूदे, कुछ फंस गए, वे अपने हाथों से काले थे। फिर अपने यार दोस्तों को मैंने फोन मिलाया था, गांव में 3 बंदे ऑलरेडी आए थे, एक मेनू नाम का लड़का आया था और एक लड़का था वसीम नाम का, तो उनने कुछ फिर मदद करवाई थी सर। उसके बाद आग पूरी तरीके से फैल गई तो हम भी घबरा गए सर, जितने हमसे मदद हुई हमने 20-30 बंदे अपने हाथों से काले थे सर। हमारे आगे तो यही बात थी सर, जो हमने देखा था हादसा में, ड्राइवर की उसमें लापरवाही थी पूरी सर। 1 किलोमीटर से आग लगती आ रही थी उस बस में, तो हम बाइक लेके नहीं जाते तो कहना में वे बंदे भी नहीं बच पाते थे। देखा था मेरा ऑलरेडी धुलावट के सारे कैंप भी, गांव के सारे, मेरे खेत भी है, मेरे मकान भी है सर। मैंने तो इतना हादसा देखा था सर, और मैंने अपने हाथों से 30 बंदों की जान बचाई थी सर। ये कारण था कि नफीस भाई का फोन आया था मेरे पास, वो बोल रहा था कि यार ऐसे ऐसे एक गाड़ी में आग लग रही है, बस है, तो उसने फोन करा मेरे को सर जल्दी से जल्दी यहाँ जा किसी को लेके। फिर मैं आया, बाइक उठाई मैंने घर से, मैं वहां गया था तो वहां आग लगी पड़ी थी, बहुत बुरी तरह में आग बहरा रही थी बस में, तो उसमें कम से कम 30-40 बंदे निकाल रहे थे या निकालने की कोशिश कर रहे थे, कुछ फंसे थे कुछ नहीं फंसे थे उसमें। फिर इसने शीशा तोड़ा, फट्टी सी तकत से, एक तकत पड़ा था वहां बराबर में, उससे एक फट्टी ली, फिर वहां से कम 3 गाड़ी के शीशा तोड़े थे बस के पिछले साइड के, उसमें से कम से कम हमने मिलके कम से कम 20-21 बंदे बताए थे, जिसमें लेडीज भी थी जेंट्स भी थे, कुल मिला के कम से कम 20-21 बंदे थे। और इसने उसको आवाज भी लगाई थी, मैं इससे बोल रहा था ये क्या क्या मामला है, इसने कि वहां से कम 1.5 किलोमीटर दूर से बस में आग लगती आ रही थी, आवाज भी दी थी, लेकिन ड्राइवर नहीं सुनी, लापरवाही करी, जब बिल्कुल आग बहरा चुकी थी वो ड्राइवर जब वहां से उतर के गया था बस से, फिर वो तो भाग गया था। फिर इन्होंने मुझे कॉल किया, एक और बंदा है घुसबैठी से बिलोंग करता है, वो बुलाया था। फिर जब हमने तीनों ने मिलके, जब वो बंदे जितने भी हमसे हो सके वो हमें वहां बचाने की कोशिश करी, जितने बच गए बेचारे काफी जल भी गए, जितनी हमारे हो सकी इतने हमने करी थी। हाँ, और वहां फिर बाद में पुलिस भी आ गई, पुलिस ने भी खूब साथ दिया था, थोड़ी सी लेट आई थी लेकिन आ गई थी मौके पे, खूब उन्होंने साथ दिया। फिर बाद में वो आग बुझाने वाली मशीन भी आ गई थी, फिर
काफी कुछ तो जल चुके थे, जो निकल गए थे फिर हमने हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिए थे। ऐसे ही भाई हो गया था। एक टूरिस्ट बस थी जो केएमपी पर गुलावट गांव के पास, जिसमें अचानक आग लग गई है, जिसमें करीब 9 व्यक्ति की मौत हो गई और काफ़ी घायल हो गए हैं, जिनको नल्लड मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम और इलाज करवाया जा रहा है। तो जो मरने वाले हैं कहाँ से आ रहे हैं? ये पंजाब के एरिया के हैं और ये यात्रा पर गए थे विभिन्न पर। सर ये हादसा कैसे उसकी जारी है? फिलहाल ये ड्राइवर की लापरवाही पाई गई है इसमें, तो चेक करता हूँ आगे जैसी इन्वेस्टिगेशन होगी वैसे करवाई। कितनी डेड बॉडी सर फिलहाल? अभी हमारे पास करीब 9 डेड बॉडी है। गुरुग्राम या नहीं, यही है डेड बॉडी, यही है ट्रीटमेंट के लिए अलग। घायल कितने लोग हैं? एग्जैक्ट अभी 15-16 व्यक्ति घायल हैं। अच्छा, अभी ना कर रहे हैं ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कहीं अलग अलग पंजाब में भी अलग अलग जगह। ठीक है।